अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज मैं अपने खेत में आया हुआ था। ये हमारे पार्टनर है प्रहलाद राव चौहान। तो हम लोग जो है दरख्त के नीचे खड़े हुए थे। देखो, आज हम आपको शहद बताते हैं। हमारे बचपन में ऐसे शहद हम खुद जो है झाड़ पे चढ़ के निकालते थे। आज आपको भी ज़ियारत करा देते हैं। देखो, नज़र आ रहा है आप लोगों को। देखिए, ऊपर जो है एक शहद है। देखिए, शहद और उसकी मक्खियाँ हैं। ये होता है असली शहद। अभी वो पूरा बना नहीं है। जब वो पूरा, अच्छा उधर भी है क्या? आओ देखिए, देखो और एक है। ये देखो, ये दूसरा भी है। ये बहुत बड़ा है। ये दूसरा जो है ना, दूसरे वाला, ये बहुत बड़ा है। ये देखो, बबूल के ऊपर है। तो पहले जो है ना, हम खुद ही ऐसे दरख्तों के ऊपर चढ़ के, अभी ये हमारे पूरे एरिया में आप देखेंगे ना, देखो ये पीछे जो है आम का दरख्त है, नज़र आ रहा आपको। उसके ऊपर भी बहुत सारे शहद रहते। उसके बाद में इधर भी एक आम का दरख्त है। उसके बाद में जो है ये बबूल है, ये जो बबूल है, और ये जो हम खड़े हुए हैं ये बेरी है। ये शहद के मक्खियाँ आ गए मेरे नज़दीक। देखो तो और एक एक है, तीन शहद है अभी हमारा जो। हाँ, ये देखो, ये देखो ऊपर जो दिख रहा ना शहद, देखो ये पूरी कपास जो लपटे हुई है उसको, वो भी एक शहद है ऊपर। ऐसे तीन शहद है। तो असल में ये रहते असली शहद, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं। ये हम लोग खुद, मैं खुद मेरे बचपन में जो है ना, ऐसे दरख्तों के ऊपर हम चढ़ चढ़ के निकालते थे शहद। ये पूरे ये जो नदी नाले है उसके किनारे पे जितने झाड़ दरख्त है, लीम का जो शहद होता है, यानी नीम का जो शहद रहता, वो सबसे ज़्यादा असली शुमार होता है। यानी नीम के शहद की खासियत ये रहती कि दवा को काम आता, और उसके अलावा उसको रात में आँखों के अंदर लगा के सोए तो आँखों की पूरी गंदगी दूर हो जाती उससे। और उसके साथ साथ जो है ना, आँखों की पूरी गंदगी, आँखों की बिनाई जो है वो ये हो जाती। नीम का जो शहद रहता वो सबसे ज़्यादा कीमती रहता। अभी ये बबूल का है, नहीं ये बेरी का है। देखो, हम बेरी के नीचे हैं। ये बेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेरी के ऊपर जो है तीन शहद है अभी। और उसके अलावा इधर बबूल और फिर आम है, अलग अलग पेड़ों, अलग अलग दरख्तों के। तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ी ही शिफा उल्लिन्नास, शहद को हमने ऐसे बनाया है तो उसमें हर बीमारी से वो, उसके अंदर जो है लोगों के लिए शिफा है। तो हर बीमारी की शिफा है शहद के अंदर, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीक़े हैं। वो तरीक़े से तुमने शहद इस्तेमाल किए तो ज़रूर तुमको उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। कभी भी उससे तुमको नुकसान नहीं हो सकता है। तुम्हारा काय बोला था का प्रहलाद राव? नहीं, अरे बोला ना हो, अरे बोला ना, नहीं ना, ठीक है। तुम्हाला ते आपले एड लिंबू आहेत ना? हाँ, गड लिंबू। हाँ, गड लिंबू, तो तिथे तुम्ही बोला। हाँ,